सच हुई नोस्त्रेदमस की भविष्यवाणी जो 2024 में होने लगी है सच। दोस्तों, नोस्त्रेदमस इतिहास की कई महत्वपूर्ण भविष्यवाणी करने के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि हिटलर का सत्ता में आना या एलिजाबेथ की मृत्यु का समय बताना। नोस्त्रेदमस ने एक बार फिर 2024 के लिए भविष्यवाणियां की है और आपको जानकर हैरानी होगी कि उनकी एक भविष्यवाणी तो नया साल 2024 शुरू होते ही साल के पहले दिन ही सच हो गई। नोस्त्रेदमस ने कई सच्ची भविष्यवाणियां की, उसमें प्राकृतिक आपदाओं का संघर्ष, एलियन का आना और चीन के साथ युद्ध भी शामिल है। नोस्त्रेदमस ने कई ऐसी बातें कही थी जो आगे चलकर सच साबित हुई। तो आइए दोस्तों जानते हैं 2024 की चौंका देने वाली भविष्यवाणियों को। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। नोस्त्रेदमस की भविष्यवाणी में सबसे पहले हम 10वें नंबर पर भूकंप की बात करते हैं, जिसे नोस्त्रेदमस ने जापान के समुद्र तट पर घटित होने का संकेत दिया है, जिससे इतनी बड़ी सुनामी आएगी जो घरों को तबाह कर देगी और सैकड़ों लोगों की जान ले लेंगी। और आप बिल्कुल साफ साफ देख पा रहे हैं कि 2024 शुरू होते ही भूकंप ने जापान में पूरी तबाही मचा दी है। साल 2024 के पहले दिन जापान में बड़ा भारी भूकंप आ गया, और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि उस भूकंप की तीव्रता 7.6 थी। तो क्या सच में नोस्त्रेदमस ने जैसी जैसी भविष्यवाणियां की है, क्या वो सभी सच होने वाली है? आपको जानकर हैरानी होगी कि भूकंप सिर्फ जापान में ही नहीं, बल्कि साल 2024 में अमेरिका में भी कुछ भीषण भूकंप आएंगे, जिन्हें पश्चिमी तट तक देखा जाएगा, जो कि सब कुछ बर्बाद कर देगा। एक झटके में ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। दोस्तों, आगे ये देखना है कि जापान की तरह क्या अमेरिका में भी यह सच होने वाला है, या फिर दुनिया भर में 2024 की बड़ी आपदा के बाद अब बारी है दूसरी आपदा की। नंबर 9, हम बात कर रहे हैं ज्वालामुखी विस्फोट की। जी हाँ दोस्तों, नोस्त्रेदमस की भविष्यवाणियों के अनुसार एक उग्र पर्वत जागृत होगा, जो भूमि पर अपना पिघला हुआ क्रोध उगलेगा, जिसका मतलब ये है कि कई सालों से सोया हुआ ज्वालामुखी एकदम से जाग जाएगा, जो पृथ्वी पर अपना गुस्सा निकालेगा। इस विनाशकारी घटना से प्रकृति, दुनिया और मानवता के लिए गंभीर परिणाम सामने आने की आशंका है। नोस्त्रेदमस की रहस्यमय भविष्यवाणी के अनुसार विस्फोट को आग और धुएं को तांडव के रूप में वर्णित किया गया है, जो इन शक्ति को उजागर करेगा, जो पृथ्वी की सतह को नया आकार देगी। ऐसा कहा जाता है कि लावा की जलती हुई अग्नि रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल जाती है, जिससे प्राकृतिक छटा हमेशा के लिए बदल जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये आकाशीय और ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं इस प्रलयकारी घटना को शुरू करने में भूमिका निभाएगी। नोस्त्रेदमस के अनुसार 2024 में होने वाली ये दूसरी बड़ी प्राकृतिक आपदा है। इटली के माउंट एटना पर एक विशाल ज्वालामुखी विस्फोट होगा। नोस्त्रेदमस ने वर्ष के अंत में या 2025 की शुरुआत में विस्फोट की भविष्यवाणी की है। उनके अनुसार ये वैश्विक पर्वत पर यह महाभयंकर ज्वालामुखी विस्फोट होगा। अब देखना यह है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। नंबर 8, चीन की मिलिट्री कार्रवाई। दुनिया भर के लोग चीन को एक उभरती हुई ताकत के रूप में देख रहे हैं। कई लोग यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका और चीन में चल रही कॉम्पिटिशन एक नया कोल्ड वार है, लेकिन इस कोल्ड वार के असल युद्ध में बदलने की हमेशा आशंका रही है। नोस्त्रेदमस अपने भविष्यवाणी में युद्ध और नौसैनिक युद्ध के बारे में कहते हैं। उन्होंने कहा है कि लाल शत्रु भय से पीला हो जाएगा, इस महासागर में भय होगा। कई लोग लाल शत्रु को कम्युनिस्ट चीन के तौर पर मानते हैं, और कुछ एनालिस्ट ने इसकी व्याख्या ताइवान पर चीन के हमले के संदर्भ में की है, क्योंकि चीन का झंडा लाल रंग का है। दोस्तों, चीन के पास विशाल नौसेना है, इस कारण माना जा रहा है कि ये लड़ाई समुद्र में हो सकती है। नोस्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की थी कि लड़ाई और नौसैनिक युद्ध एक लाल शत्रु से आएगा, जो भय से पीला पड़ जाएगा, जिसके बाद महान महासागर भयभीत हो जाएगा, यानी कि समुद्र में रोएगा चीन। नंबर 7, नोस्त्रेदमस की अगली भविष्यवाणी में बताया गया है कि 2024 में वैज्ञानिक एक ऐसी खोज करेंगे जो इंसानों की जिंदगी 150 से 170 सालों तक बढ़ा देंगे। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यह खोज भारत में होगी। उन्होंने साफ साफ लिखा है कि भारत के वैज्ञानिक खोज करेंगे जिससे इंसान 150 सालों तक जी सकेगा। वर्तमान समय में दुनिया में इंसान की आयु 70 से 90 साल है। अगर नोस्त्रेदमस की भविष्यवाणी सच होती है तो इसका मतलब है इंसान दुगना जीवन जी पाएंगे। नंबर 6, डेडली वायरल। कोरोना वायरस से
पूरी तरह दुनिया बच नहीं पाई। अब आपका दोस्तों फिर से सामना होने का समय आ गया है, क्योंकि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी में बहुत ही पुराने और बहुत ही खतरनाक वायरस की खोज का उल्लेख किया गया है, जो ग्लेशियरों के पिघलने से मिलता है, जिससे कोरोना वायरस के द्वारा मारे गए लोगों से ज्यादा बड़े पैमाने पर लोगों की मौतें होंगी, जिसे सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ सोची समझी साजिश है। नंबर 5, ब्लैकआउट इन अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, विश्व का एक देश अमेरिका, जो सबसे ज्यादा डेवलप है, वहाँ भी जल्दी ही अंधेरा होने वाला है। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार उन्होंने अपनी भविष्यवाणी में कहा है कि अमेरिका में बिजली की कमी और ब्लैकआउट होने का खतरा है। उन्होंने कहा कि कैलिफोर्निया और टेक्सास में बड़ा ब्लैकआउट होगा। इन दोनों ही स्थानों में बहुत अधिक मात्रा में तेल है। उनका कहना है, इनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज की तरह देखता हूँ। ये ब्लैकआउट किसी मौसमी घटना या तूफान की वजह से होगा। नंबर 4, रोबोट। दोस्तों, इस साल करीब करीब रोबोट आधुनिकता हासिल करेगा, जिसका मतलब यह है कि काम करने के लिए अब इंसानों की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका दावा है कि रोबोट एक ऐसी भाषा बनाएंगे कि हम इंसान समझ ही नहीं पाएंगे। ऐसे में रोबोट्स इंसानों के लिए खतरा बन जाएंगे। नंबर 3, महान सितारा और दो सूर्य। महान सितारा 7 दिन जलेगा और बादल में निकलेंगे दो सूर्य। आसमान में दो सूर्य निकलने का आभास होगा। दोस्तों, कोलंबिया के एक गांव में हाल ही में दो सूर्य दिखाई दिए हैं, जिसे देख लोग हैरान रह गए। लोगों का कहना है कि एक सूर्य होगा और दूसरा आसमानी पिंड होगा, जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगा और भारत में उड़ीसा को जलमग्न कर देगा। नंबर 2, भारत में रहस्यमय लोगों का आगमन। दोस्तों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार भारत के बारे में बहुत ही रहस्यमयी बातें कही गई है, यानी कि साल 2024 में भारत में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिन्हें कोई नहीं जानता हो। पर भविष्यवाणी के दावे अनुसार हिमालय में तपस्या कर रहे संतों का आगमन होने वाला है, जो चमत्कारिक और रहस्यमयी है, जो हजारों वर्षों से जी रहे हैं। इसके अलावा सबसे डराने वाली भविष्यवाणी ये भी है कि एलियंस पृथ्वी पर आ सकते हैं। भविष्यवक्ता के अनुसार दुनिया अंधेरे में ढक सकती है, और उन्होंने दावा किया है कि एलियंस पृथ्वी पर आएंगे तो लाखों लोग मारे जाएंगे। नंबर 1, जैविक हथियार परीक्षण और जलवायु परिवर्तन। दोस्तों, साल 2024 के लिए यह सबसे खतरनाक भविष्यवाणी में से एक भविष्यवाणी है, जो बहुत बड़े विनाश का कारण बन सकती है, जिसमें नास्त्रेदमस के अनुसार एक बड़े देश के द्वारा इंसानों पर हमला किया जा सकता है, जैसे हजारों की संख्या में इंसानों की मौतें हो सकती है। दोस्तों, वर्तमान समय में हम भयंकर तूफान, बहुत बड़ी आग से तबाही को देख रहे हैं। हालांकि नास्त्रेदमस ने सदियों पहले ही इसकी भविष्यवाणी की थी। नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी में ये भी लिखा था कि 40 वर्षों तक इंद्रधनुष दिखाई नहीं देगा, और अगले 40 वर्षों तक रोज इंद्रधनुष दिखाई देगा। धरती सूखती चली जाएगी और बाद में एक बहुत बड़ी बाढ़ आएगी। दोस्तों, भविष्यवाणी के अनुसार 2024 में बहुत बड़े धमाके की चेतावनी दे रहे हैं, जो जलवायु पर बहुत गहरा प्रभाव डालेगा। धरती और ज्यादा गर्म होगी। 2024 में भविष्यवाणियों में अपरिवर्तनीय जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं। इस साल हीट और भी तेज हो जाएगा, इतना ज्यादा कि वो मछलियों को भी उबाल सकती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।